माँ चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए लेके जा रही थी। कुकु बेटा, आज मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। आपने मेरी बातों पर अमल करना है, जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं उड़ना नहीं सीखना चाहता, आप मुझे दाना ला दिया करे ना। कुकु बेटा, ऊपर वाले ने पक्षियों को पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं। बस आपने कभी नीचे नहीं देखना, जंप लगाना है, उसके बाद अपने पंख फड़फड़ाने हैं। देखना किस तरह उड़ने लगोगे तुम। मम्मा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत डरता हूँ, अगर मैं गिर गया मैं तो मर जाऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बहलाती है और फिर उसको एक फूलों की टोकरी में रखती है। उस टोकरी में उठाकर एक बड़े सारे पेड़ पर ले जाती है। पेड़ पे बैठे हुए कुकू को बहुत डर लग रहा था। कुकु बेटा, अब आपने नीचे की ओर नहीं देखना, बस सामने देखना है। जैसे ही मैं 1 2 3 करूं, आपने कूद जाना है। मम्मा, पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं गिर गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। कुकु बेटा, ऊपर वाले से उम्मीद अच्छी रखते हैं, ऐसी बातें नहीं सोचते। चलो मैं अब गिनती कर रही हूँ, आपने कूद जाना है। 1 2 3 गो। कुकु कूद जाओ, कूद जाओ कुकु। कुकु बेटा, अपनी मम्मा का कहाँ मानो। पर कुकु तो इतना डरा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। बार बार राना चिड़िया के कहने पर वो कभी आगे की तरफ छलांग लगाता तो कभी पीछे की तरफ लगाता। देखो कुकु, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो दाना भोजन कैसे करोगे। उम्र भर का साथ मेरा तो नहीं है, एक ना एक दिन मैंने मर जाना है, फिर कौन तुम्हें दाना ला कर देगा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनते कुकु छलांग लगा देता है, पर वो अपनी माँ की बात नहीं मानता। वो ऊपर की तरफ नहीं देखता, वो नीचे देखता है और गिरने लग जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मैं गिर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मम्मा बचाओ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से कूदती है और अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठा लेती है, उसे गिरने से बचा लेती है। फिर मम्मा चिड़िया निराश होकर उसी टोकरी में रखकर उसको घर वापस ले आती है। कुकु बेटा, आप आज भी नहीं उड़े हो, क्या बनेगा आपका। आप अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मान लेते। मम्मा, मैंने जैसे ही जंप लगाया मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, मैं तो गिरने वाला हो गया था। ये तो आपने मुझे बचा लिया है, वरना मैं तो सीधा ऊपर जा रहा था। मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी कि उसका बेटा कब उड़ना सीखेगा। कुकु बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अब तुम सोच लेना कि तुमने उड़ना है या फिर नहीं उड़ना। मम्मा चिड़िया भोजन की खोज के लिए निकलती है, रास्ते में उसे कोरी कभी रोक लेती है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे कुकु ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है क्या। कोरी बहन, ना जाने उसे क्या हो गया है, वो ऊपर की ओर उड़ना ही नहीं चाहता, ऊंचाई से बहुत डरने लग गया है वो। मेरा बेटा तो कब से उड़ रहा है, दोनों की उम्र तो सेम है। देखो जग्गू बेटा, जरा अपनी चिड़िया आंटी को उड़ के दिखाना। फिर जग्गू एक छलांग लगाता है, दूर ऊंचाई में उड़ने लग जाता है। माँ चिड़िया तो और ज्यादा चिंतित हो जाती है। चिड़िया, मेरी बात मानो, तुम अपने बेटे कुकू के सामने बीमारी का बहाना बना लो, उसको खाने के लिए भोजन नहीं ला के दिया करो। कोरी, आप भी बातें करती हो, भला एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा रख सकती है। चिड़िया, बात भूखा रखने की नहीं है, बात उसे उड़ना सिखाने की है, वरना वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। तुम बीमारी का बहाना बनाकर सो जाना, फिर देखना तुम्हारा बेटा कैसे मजबूरी में उड़ना सीखता है। फिर मम्मा चिड़िया घर आ जाती है, वो कुकू को खाना देती है, कुकू वो खाना खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, माँ चिड़िया आज अपने घोंसले से नहीं उठी थी। मम्मा, आज आप सोई हुई क्यों हैं? आज आपने भोजन लेने नहीं जाना क्या। बेटा कुकू, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, साथ में तेज बुखार भी है, मैं तो नहीं उठ सकूंगी और ना ही भोजन लेकर आ सकूंगी। क्या होता अगर मेरा बेटा कुकू उड़ना सीख लेता, वो उस दिन सीख लेता, उड़ान भर लेता, तो आज उसकी मम्मा भूखी ना होती, तो मेरे लिए भोजन तो ला सकते थे ना। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है उड़ने से, मैं क्या करूं? मैं देखता हूं नीचे और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा उड़ना सीख गया होता, ज्यादा नहीं तो अपनी नानों को तो बुला कर आता, वो ही आकर मेरी देखभाल कर लेती। फिर कुकू बहुत परेशान हो जाता है,
उसे अपनी माँ की हालत तो देखी ही नहीं जा रही। वो डरते डरते अपने घर के बाहर आता है। वो बाहर आकर देखता है कि उसकी उम्र से छोटा मिठू तोता और फिर उसका हम उम्र चक्कू दोनों उड़ रहे थे। उसको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि ये उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। माँ चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से बुलाती है। कुकू कुकू बेटा, उड़ान भरो, जल्दी से उड़ जाओ। नीचे नहीं देखना, सामने देखना है और अपने पंख फड़फड़ाने हैं। फिर कुकू बिना सोचे समझे जंप लगा देता है। इस बार वो नीचे नहीं देखता बल्कि वो सामने देखता है और अपने पंख फड़फड़ाता है। उसी ही समय कुकू तो उड़ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं उड़ना सीख गया, देखी मैं उड़ रहा हूँ, इस बार मैं नीचे नहीं गिरा हूँ। फिर कुकू उड़ने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। माँ चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से देख रही थी। शाबाश मेरा बेटा कुकू, अब जल्दी से अपनी नानों को बुला कर लाइए। फिर कुकू तेज उड़ने लगता है। वो कुछ ही समय में अपनी नानों के घर पहुंच जाता है। नानो नानो, मैं उड़ते हुए आया हूँ। हाँ, मैं भी देख रही थी कि मेरा बेटा तो उड़ते हुए आ रहा है। कितनी ऊंची उड़ान है तुम्हारी। नानो, मेरी मामा बहुत बीमार है और वो आपको बुला रही है। फिर नानो भी उसके साथ उड़ने लगती है। नानो तो पीछे थी पर कुकू आगे आगे उड़ रहा था। फिर कुछ ही समय में नानो और कुकू घर पहुँच जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो ठीक ठाक उठी बैठी थी। मम्मा, क्या आप ठीक हो गई हैं क्या? आपका बुखार और सर दर्द कहाँ गया है? कुकू बेटा, वो तो मैंने आपको उड़ान सिखाने के लिए एक तरकीब लड़ाई थी। ये उपाय मुझे गोरी बहन ने दी थी और ये उपाय काम कर गई है। क्या मम्मा, आपने ये उपाय मुझे उड़ाने के लिए की थी? मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, वो मेरे लिए ही सोचती रहती है। कुकू बेटा, आपकी मम्मा को भी उड़ान सिखाने के लिए मैंने यही उपाय किया था। नानो की ये बात सुनते हुए मम्मा चिड़िया कुकू और नानो गर्मी के मौसम में ठंडी नदी के पास बैठी गोरी कवि पका हुआ मीठा आम खा रही थी। दूर बैठी रानो चिड़िया गोरी कवि को आम खाता देख रही थी। चिड़िया चिड़िया, जरा यहाँ आना मेरे पास। गोरी के बुलाने पर रानो चिड़िया वहाँ चली जाती है। चिड़िया, क्या तुमने कभी आम खाया है? हाँ गोरी बहन, पिछले साल के मौसम में मैंने एक मीठा और पका हुआ आम खाया था। लो लो, थोड़ा सा आम तुम भी खा लो। चिड़िया जैसे ही आम लेने के लिए अपना पंख आगे करती है, गोरी कवि तुरंत वो आम अपने मुंह में डाल लेती है और खाने लग जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मीठा था, बड़ा मीठा था ये आम। सच पूछो, मुझे तो मजा ही आ गया है। तुम गंदी हो, तुम बहुत गंदी कवि हो। मैं नहीं बात करूंगी तुमसे, तुम दूसरों का जी ललचाती रहती हो। फिर चिड़िया वहाँ से निराश होकर चली जाती है। कोरी, तुम रोजाना ही जाती हो किसान के खेत से पल चोरी करने। जिस दिन पकड़ी गई तो बहुत बुरी तरह फंस जाओगी। कालू, तुम तो कमा कर लाते भी नहीं हो, तो क्या करूं? भूखी मर जाऊं मैं? अपने पेट का इलाज खुद ही करती हूँ। चोरी करके खाऊं या फिर जैसे भी, मुझे तो अपना पेट भरना है। गोरी, इंसान बहुत जालिम होता है। वह कालू जी, आपकी पत्नी का नाम भी गोरी है, मैं उसकी शान से ज्यादा जालिम हूँ। आज फिर गोरी कवि किसान के खेत में जाती है। किसान के खेत में तो कोई नहीं था, किसान अपने घर में आराम करने गया हुआ था। गोरी कवि उसके तरबूज के खेत में चली जाती है। वो एक बड़े तरबूज पर चोंच मारती है और मजे मजे से खाने लग जाती है। आखिर भी एक छोटा सा टुकड़ा लिए वहाँ से चली जाती है। वो कल वाली ठंडी नदी के पास जाकर बैठ जाती है। कबूतर और तोते, जरा आना मेरी बात सुन के जाना। उड़ते हुए कबूतर और मिठू तोते को गोरी कवि अपने पास बुला लेती है। ये तरबूज बहुत ठंडा और मीठा है, इसका स्वाद तो अलग ही है। कोरी, लाओ इधर तो थोड़ा सा तरबूज मुझे भी चखने दो। ना ना,
ये तरबूज तो मैं अपने प्यारे गोरे से कबूतर भैया को दूंगी। मेरी गोरी बहन कितनी अच्छी है, वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दो दो, इधर दो, थोड़ा सा तरबूज मुझे भी खाने दो। कबूतर भैया जरा अपना मुंह खोलो। आ, कबूतर मुंह खोले बैठा था। गोरी कभी तो तुरंत वो तरबूज का टुकड़ा उठाती है और अपने मुंह में डाल लेती है। कबूतर तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। लो लो, खा लो अपनी गोरी बहन का दिया हुआ तरबूज, मैं तो चला। तोता वहाँ से चला जाता है। तुम बहुत गंदी हो, तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कबूतर भैया क्या करूँ, मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। गुस्से में कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। हर रोज की तरह आज भी गोरी कवि किसान के खेत से तरबूज चुराने चली जाती है। परंतु आज का सीन तो कुछ और ही था। किसान और उसकी पत्नी खेत में आए हुए थे। गोरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाए। वो अपने आधे खाए हुए तरबूज के अंदर छुप जाती है। मैं कौन सा तरबूज तोड़ूं जो मेरी इस सुंदर पत्नी को बहुत ज्यादा पसंद आए। हाँ, ये वाला बड़ा तरबूज तोड़ लेता हूँ। फिर किसान वो वाला तरबूज तोड़ के अपनी टोकरी में रख देता है, जिस तरबूज के अंदर गोरी कभी छुपी बैठी थी। ये किसान मुझे लेके कहाँ जा रहा है, मैं तो अब फंस गई हूँ, इस तरबूज के बाहर कैसे निकलूंगी। शाम तक गोरी कवि घर लौटकर वापस नहीं आती। उसका पति कालू एक पेड़ की डाल पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। ये गोरी कहाँ चली गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई, ऐसा ना हो कि वो किसान के पास पकड़ी बैठी हो। फिर कालू कौवा बहुत परेशानी में तोते के पास जाता है। यार तोते, इतनी शाम हो गई है, मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं लौटी, तुमने कहीं देखा था गोरी को? मैं उससे बातें ही करता, वो हर रोज नए नए फल चुरा के खाती है और मेरा जी लल जाती है। फिर कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी गोरी पत्नी नहीं मिल रही, उसको ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तो कहता हूँ कि वो तुम्हें कभी भी ना मिले, हमेशा के लिए कहीं खो जाए, वो बहुत गंदी कवि है, मेरा जी लल जाती है, रोज रोज फल दिखा दिखा के खाती है। गोरी कवि से तो सारे पक्षी बहुत तंग थे, कालू की मदद के लिए कोई भी नहीं जा रहा था। कालू भैया, मैंने सुबह देखा था कि तुम्हारी पत्नी किसान के खेत की ओर जा रही थी। चुड़िया, तुम मेरे साथ किसान के खेत में चलो, हम गोरी को वहीं देखकर आते हैं। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ किसान के खेत की ओर चली जाती है। गोरी कवि तो आज बुरी तरह फंस गई थी। किसान अपनी पत्नी को वो तरबूज टोकरी में डाल कर देता है। पत्नी जी, अब जल्दी करो, तरबूज तो ठंडा है, इसको काट लेते हैं। चाकू कहाँ रखा था आपने, जरा वो तो ला दीजिए ना मुझे। गोरी कवि तरबूज के अंदर बैठी हुई ये सारी बातें सुन रही थी। मर गई, आज तो मैं मर गई, मैं तो दरमियान से कट जाऊंगी, ऊपर वाले मेरी थोड़ी सी मदद कर लो। किसान की पत्नी तरबूज काटती है दरमियान से, गोरी कवि फुट से उड़ जाती है। गोरी खुद तो उड़ जाती है पर उसकी पोंछ वही रह जाती है। कवि कवि, पति जी ये कवि कहाँ से आ गई है तरबूज के अंदर से? ये वही कवि होगी जो रोजाना मेरे खेत से मेरे फल चुरा कर खाती है, वैसे बहुत अच्छी सजा दी है हमने इस। गोरी कवि पीछे मुड़कर नहीं देखती बल्कि आगे की ओर उड़ती जा रही थी और उड़ती जा रही थी। वो इतनी अंधाधुंध उड़ रही थी कि अपने पति कालू कवि से टकरा जाती है। गोरी बहन तुम कहाँ थी, हम तुम्हें सुबह से ढूंढ रहे हैं। कालू कालू, चिड़िया आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, आज मैं फंस गई थी। कालू फंस तो मैं जैसे तैसे गई, अब मेरी पोंछ भी कट गई है, जरा पीछे देखो मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। फिर कालू और चिड़िया की नजर
गोरी की पोंछ पर पड़ जाती है। गोरी गोरी, तुम्हारी तो पोंछ कट गई है और तुम कितनी गंदी लग रही हो बिना पोंछ के। गोरी बहन, मैंने अपने जीवन में पहली बार कभी देखी है बिना पोंछ के। गोरी, पोंछ कहाँ छोड़ाई हो, जरा बताओ कहाँ रख दी है तुमने पोंछ अपनी? चिड़िया, मेरी पोंछ किसान की पत्नी के पास है, जल्दी से जाओ प्लीज मेरी पोंछ ला दो, मैं बिना पोंछ के बड़ी गंदी लग रही हूँ। चिड़िया, अब तुम ही जा सकती हो, मेरी पत्नी की पोंछ तुम ही ला सकती हो। वो जालिम इंसान हम कौवों को देखते ही बंदूक निकाल लेता है, प्लीज मेरी चिड़िया बहन, मुझे मेरी पोंछ ला दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुम्हारे साथ कभी कोई शरारत नहीं करूंगी। फिर चिड़िया उन कौवों की बात मानकर किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, रहम करें, आप ये पोंछ मुझे दे दें, वो कवि बिना पोंछ के बहुत गंदी लग रही है। चिड़िया, ये उस दुष्ट कवि की पोंछ है जो रोजाना ही हमारे खेत से हमारे फल चुरा कर खा जाती है। मैं वादा करती हूँ वो फिर कभी नहीं आएगी आपके खेत की तरफ, बस उसकी पोंछ मुझे दे दें। ऐसे चिड़िया गोरी कवि की पोंछ किसान की पत्नी से लेकर आ जाती है। चिड़िया गोरी कवि को उसकी पोंछ दे देती है। कालू कौवा अपनी पत्नी की पोंछ सेट करता है। गोरी, अब अगर दोबारा किसान के खेत में जाओगी तो जान से भी जाओगी। ना पति जी, अब तो मैं कभी भी ना जाऊँ, उस दिशा का रुख नहीं करूँगी मैं, मुझे बहुत गंदी सजा मिली है। वैसे इस चिड़िया का बहुत बहुत शुक्रिया, इसने मेरी पोंछ ला दी है मुझे, वरना सुबह होते ही सारे पक्षी मेरी पोंछ का मजाक उड़ाते। ऐसे गोरी कवि को अपने किए की सजा मिल जाती है। एक दिन जबलपुर के जंगल में टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नजर एक एप्पल गार्डन पर पड़ी। वह जाकर एप्पल के पेड़ में बैठ गई। अरे वाह, कितना सुंदर सुंदर एप्पल है, इसे देखकर ही मुंह में पानी आ गया, खाने में कितना मजा आता होगा। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मेरा एप्पल गार्डन में क्या कर रही हो? एप्पल तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा। एक एक एप्पल की कीमत होती है कीमत। अगर एप्पल खाने का इतना ही शौक है तो खुद के बागीचे में जाके खाओ ना। अरे कल्लू, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है कि मैं अपने बागीचे से एप्पल खाऊंगी? मुझे तो 3 टाइम का भी सही से खाना नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, ज्यादा दुख दर्द की बातें मुझे मत शेयर करो, जाओ यहाँ से। तब टूनी चिड़िया वहाँ से अपने घर की तरफ रवाना होती है। रास्ते में उसे एक कबूतर टोकरी में कुछ सेब लेकर खड़ी नजर आती है। तब टूनी चिड़िया उस कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, टोकरी उठाने में थोड़ी मदद करोगे? हाँ आंटी जी, क्यों नहीं। वैसे आप इतने सारे एप्पल को कहाँ लेकर जा रही हैं? अरे चिड़िया, क्या बताऊँ, मैं यहाँ रोज एप्पल बेचने आती हूँ, कभी पूरे बिक जाते हैं तो कभी एक भी नहीं। पक्षियाँ जब बड़े बड़े फ्रूट शॉप में एप्पल खरीदने जाती है तो कोई मोल भाव नहीं करती, पर मेरे एप्पल में इतना मोल भाव करती है कि मत पूछो। कभी कभी ये मुझे इतने कम दाम देते हैं जितने में मुझे भी नहीं मिल पाती, और एप्पल जब नहीं बिकती तो दो दो परेशानियां बढ़ जाती हैं, एक रुपयों की और दूसरा इसे ढोकर ले जाने की। वैसे आज मैं आपकी दूसरी परेशानी सॉल्व कर दूंगी, मैं आज आपका एप्पल ढोकर आपके घर तक ले जाऊंगी। तुम क्यों परेशानी उठाओगी? नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी। तब टूनी चिड़िया उस कबूतर और उसके सारे एप्पल को एक थैले में लाद कर कबूतर का घर जाने लगती है। रास्ते में उन्हें चिड़ियों की एक बस्ती मिलती है। तब टूनी चिड़िया एप्पल बेचने की कोशिश करती है। एप्पल ले लो, लाल लाल एप्पल ले लो, ताजा ताजा एप्पल ले लो, एप्पल ले लो एप्पल। तब एक चिड़िया आकर ढेर सारी एप्पल्स खरीद लेती है, जिससे कबूतर बहुत खुश हो जाती है।
फिर वे दोनों कबूतर के घर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ ही देर में वे दोनों कबूतर के घर पहुंच जाती है। आंटी जी, अब मैं चलती हूँ। रुको बेटी, तुमने बहुत मेहनत की है आज। ये लो, दो सेब लेकर जाओ और घर में जाकर आराम से बैठे बैठे खा लेना। आंटी जी, दुनिया का एक कैसा वस्तु है, कोई नफरत से भगा देता है और कोई प्यार से खिला देता है। यह कहकर टूनी चिड़िया दोनों एप्पल लेकर अपना घर चली जाती है। घर पहुंचकर टूनी सोचती है, एप्पल तो बहुत सुंदर सुंदर है, ऐसा करती हूँ इसे खाकर बीजू को जमीन में बो देती हूँ, हो सकता है एप्पल के पेड़ उग जाए। टूनी ऐसा ही करती है। एप्पल खाने के बाद बीजू को लेकर अपने जमीन की तरफ रवाना हो जाती है। अपने खेत में पहुंचकर टूनी चिड़िया उन एप्पल के सारे बीजों को बोने लगती है। जब सारा एप्पल बीज बो देती है तो वह वहां से घर की तरफ आ जाती है। दूसरे दिन जब टूनी अपने खेत में जाती है तो वह देखती है कि सारे एप्पल के बीज से एप्पल के नन्हे नन्हे पौधे निकल आए हैं। अरे वाह, एक ही दिन में छोटे छोटे पौधे भी उग गए। रुको, मैं इन पौधों पर पानी दे देती हूँ। तब टूनी चिड़िया सारे एप्पल्स के पेड़ की सिंचाई कर देती है। सिंचाई पूरा हो जाने के बाद वह घर वापस चली जाती है। फिर दूसरे दिन वह अपने खेत में आती है तो वह देखती है कि एप्पल के सारे नन्हे नन्हे पौधे बड़ा पेड़ में बदल गया है और उसमें पके पके एप्पल भी लग गए हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी बीजू से पेड़ उगकर इसमें फल भी आ गया, ये तो कमाल ही हो गया। तब टूनी और कबूतर मिलकर जंगल में एप्पल बेचने लगती है। एप्पल ले लो, एप्पल ले लो, लाल लाल एप्पल ले लो, ताजा ताजा एप्पल ले लो, एप्पल ले लो एप्पल। पक्षियां टूनी से एप्पल खरीदने लगती हैं। टूनी का बिजनेस स्टार्ट हो जाने के कारण कालू कौवा का कस्टमर घटने लगता है। अरे, इस टूनी की बच्ची का कुछ करना पड़ेगा। जब से ये जंगल में एप्पल बेचने लगी तब से मेरा ग्राहक घटता ही जाता है, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, आइडिया। टूनी, अब देखना मैं क्या करता हूँ, बस रात तो होने दो। रात होने पर कालू कौवा टूनी के एप्पल गार्डन में खरपतवार नाशी का छिड़काव करने के लिए रवाना हो जाता है। टूनी के गार्डन में पहुंचकर वह खरपतवार नाशी का स्प्रे करने लगता है, पर कालू को कहां मालूम था कि जिस पेड़ में वह खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है वे सारे के सारे एप्पल्स पेड़ जादुई पेड़ है। ये कौन सिरफिरा स्प्रे कर रहा है, अभी इसकी मति भंग करता हूं। यह कहकर पेड़ जादुई शक्ति से कालू कौवा का माइंड चेंज कर देता है। अरे अरे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो अपने एप्पल पेड़ में कीड़ा मारने वाला स्प्रे करना है, मुझे जल्दी जाना होगा नहीं तो देर हो जाएगी। यह कहकर कालू कौवा खरपतवार नाशी लेकर अपने एप्पल गार्डन में चला जाता है और अच्छी तरह से पूरे एप्पल गार्डन में खरपतवार नाशी से स्प्रे करने लगता है। जब स्प्रे कंप्लीट हो जाता है तो कालू कौवा अपने गार्डन से घर चला जाता है। सुबह जब कालू कौवा अपना एप्पल गार्डन वापस आता है, अरे ये कैसे हो गया, मेरा एप्पल गार्डन सूख क्यों गया। तभी कालू कौवा को रात वाली बात याद आ जाती है। इसका मतलब मैंने रात में टूनी के गार्डन में नहीं बल्कि अपने ही गार्डन में स्प्रे कर दिया,
हाय रे, मैं लुट गया रे, मैं बर्बाद हो गया। और इस तरह एप्पल गार्डन नष्ट होने से कालू कौवा कंगाल बन जाता है और कोई रोजगार ना मिलने के कारण फिर से टूनी के एप्पल गार्डन में नौकर के रूप में काम करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और किसी भी गरीब को भला बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें गरीबों की मदद करते रहना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वर्ड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट रखें। थैंक यू। आलसी कालू कौवा कोई काम नहीं करता था। वह घोंसले में हमेशा सोया रहता था। अब तो उसकी पत्नी भी कालू से तंग आ गई थी। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी भूखी मरूंगी। जाओ और कोई काम धंधा ढूंढ लो। क्या काम करूं? मुझे कोई काम मिलता ही नहीं है। सभी पक्षियां कोई ना कोई काम करते हैं, एक तुम ही हो कि तुम्हें कोई काम ही नहीं मिलता। आज तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ कर आती हूँ। फिर तो ठीक है, तुम मेरे लिए कोई काम ढूंढो, फिर मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। फिर कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी अपने पति के लिए कोई काम ढूंढने घर से निकल पड़ती है। चिड़िया बहन, वह हमेशा घर में बैठा रहता है। जब कोई काम करने को कहती हूँ तो वह कहता है कि मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। आप कबूतर के पास जाएं, उसके चाय का होटल है, मुझे पूरा विश्वास है वह आपके पति को काम पर रख लेगा। फिर गौरी कौवी वहाँ से कबूतर के होटल में जाती है और कबूतर से सारी बातें बताती है। देखो, अगर तुम्हारा पति अच्छे से काम कर लेगा तो मैं उसे अपने पास रख लूँगा। करेगा, क्यों नहीं करेगा। कबूतर भैया, मैं कल ही उसे आपके पास भेज दूंगी। फिर गौरी कौवी खुशी खुशी वहाँ से घर वापस आ जाती है। कालू जी, मिल गया काम, मिल गया कबूतर के होटल में काम, मिल गया। तो क्या अब मैं जूठे चाय के बर्तन धोऊंगा? कालू जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करने में क्या शर्म। आप कल से काम पर जाएं, अगर फिर दूसरा काम मिले तो वह काम छोड़ देना। फिर दूसरा दिन कालू कौवा ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के कहने पर काम पे चला जाता है। अगर काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अच्छा ठीक है, ज्यादा बातें ना सुनाओ, काम बताओ काम। सामने बर्तन पड़े, जाओ और जाके बर्तन साफ करो। कालू कौवा क्या जाने कि काम कैसे करते हैं। वह एक बार कबूतर को देखता है और एक बार गंदे बर्तन की तरफ देखता है। मर जाऊंगा, मगर मैं ऐसा गंदा बर्तन साफ नहीं करूंगा। कुछ ऐसा करता हूँ कि ये कबूतर खुद ही मुझे यहाँ से भगा देगा। ऐसा कहकर कालू कौवा दो नए कप तोड़ देता है। कप टूटने की आवाज सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। बेशरम आवारा कौवे, मेरे नए नए दो कप तोड़ दिए तुमने, अंधे हो क्या? मुंह संभाल के बात करो मोटे चाचा कबूतर, अगर तुम मुझसे बड़े ना होते तो अभी तुम्हारी अकड़ ठिकाने लगा देता मैं। मैं तुम्हारे जैसे आवारे का मुंह नहीं लगना चाहता, वो तो तुम्हारी पत्नी रो रही थी, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और तुम्हें काम पर रख लिया। भाग जाओ यहाँ से और कभी मेरे होटल के पास भी ना आना। कालू कौवा यही तो चाहता ही था। वह कुछ बोले बिना ही तुरंत वहाँ से घर चला जाता है। ये कैसी बात है, अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा और तुम काम से घर वापस आ गए। निकाल दिया उसने मुझे काम से, दो कप क्या टूट गए, बातें ही सुनाए जा रहा था वह कबूतर मुझे। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, अगर तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चले जाऊंगी। गौरी प्लीज, मुझे भी साथ ले जाना, कम से कम भोजन तो मिल जाएगा ना। दूसरे दिन गौरी कौवी मिट्ठू तोते से बात करती है। मिट्ठू तोते का आमों का बाग था। मिट्ठू भैया, मेरे पति को आपके बाग में काम पर रख लें,
चाहे तनख्वाह थोड़ी कम ही दे देना। ऐसा ना हो तुम्हारा पति कालो कौवा मेरा नुकसान ही करे। नहीं नहीं भैया जी, वह अब दिल लगा कर काम करेगा, मैंने समझा दिया है उसे। तो फिर आज ही उसे काम पर भेज दो। गौरी कौवी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वहाँ से घर। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ ही था। उठो उठो कालू और काम पर जाओ, मैंने मिठू से बात कर ली है। ये क्या, तुम्हें हर समय मेरे काम की ही चिंता रहती है? क्या काम करूँगा मैं उस मिठू के आम के बाग में? तुम काम पे जाओ, मिठू सब समझा देगा। कालू जानता था कि अब उसे काम पर जाना ही होगा। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में जाते जाते कालू सोच रहा था कि ऐसा क्या करें कि मिठू उसे काम से हटा दे। सोचते सोचते वह मिठू के बाग में पहुंच जाता है। मिठू जी बताएं, क्या काम करना है मुझे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मैं नौकर और तुम मालिक हो। गरीबी में कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। आप काम बताएं काम, बाकी बातें छोड़िए। पक्के पक्के आम तोड़कर उस टोकरी में डालो। और हाँ, सारे आम खा मत जाना, सिर्फ एक ही आम तुम खा सकते हो। काम बताकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसे तो मिठू आज ही मुझे यहाँ से भगा देगा। फिर कालू कौवा कच्चे कच्चे आम तोड़कर टोकरी में रखने लगता है। इस तरह कच्चे आम से ही टोकरी भर देता है। मिठू के बच्चे मुझे भी कालू कौवा कहते हैं, मैं तो काम करूँगा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद जब मिठू तोता अपने बाग में वापस आता है तो टोकरी में कच्चे आम देखकर गुस्सा हो जाता है। पागल कौवे, ये क्या, तुमने मेरे सारे कच्चे आम तोड़ दिए? मैंने तुम्हें पके हुए आम तोड़ने को कहा था। सॉरी सॉरी मिठू मालिक, मैं भूल गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, फिर कभी मेरे बाग की तरफ मुँह मत करना। अपनी चोंच देखो, कैसी पहाड़ जैसी चोंच है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे तोते मेरे नौकर होने चाहिए थे और तुम मुझे अपना नौकर बना रहे हो। ऐसे बातें सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अब तो गोरी कौवी भी तंग आ गई थी, करती भी तो वह क्या करती। वह कालू से तंग आकर कालू को अपने साथ लेकर अपने मायके अपने भाई के पास चली जाती है। गौरी बहन, सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हो? भाई, ये कालू कोई काम नहीं करता, इससे तंग आकर मैं इसे आप ही के पास लेकर आई हूँ। मैं अब और भूखी नहीं रह सकती। बोलो ना कालू, अगर काम धंधा नहीं करना था तो क्यों शादी की मेरी बहन से? भाई साहब क्या बताऊँ, मैं जहाँ भी काम पर जाता हूँ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है और मालिक मुझे काम से ही निकाल देता है। ठीक है गौरी, आप यही मेरे घर में रहो और कालू को मैं अपने साथ अपने दुकान पर ले आता हूँ। कालू, आज से तुम मेरी दुकान पर बैठोगे। यह काम कालू को कुछ आसान लगता है। हाँ हाँ भाई साहब, बैठ कर करने वाला काम तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर गौरी का भाई कालू को लेकर अपनी दुकान पर जाता है। अच्छे से काम करना और पैसे ध्यान से लेना। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं ये काम अच्छे से कर लूँगा। फिर क्या था, कालू जी काम पर लग जाते हैं और गौरी का भाई भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दुकान पर एक सुंदर सी चिड़िया आती है। क्या ये दुकान आपकी है? कालू भी सुंदर चिड़िया देखकर अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं ही हूँ मालिक इस दुकान का। फिर मुझे 2 kg चीनी, घी, चावल और कुछ मसाला दे दे। फिर कालू कौवा उस चिड़िया को सारा सामान एक बस्ता बनाकर दे देता है। मेरे घर नदी के पास है, अगर चाय पीने का मन करे तो आ जाना, मिलकर चाय पियेंगे। तुम बहुत सुंदर चिड़िया हो, कितनी प्यार से बात करती हो तुम। मेरे पास सामान के पैसे नहीं है, मैं फिर दे दूंगी आपको पैसे। कौन कम वक्त तुमसे पैसा मांग रहा है? जो तुमने मुस्कुरा कर 2 बोल बोल दिए वह पैसों से कम नहीं है। इस तरह वह चिड़िया सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय जब गोरी का भाई
हिसाब देखता है तो दुकान खाली थी और पैसे भी नहीं थी। फिर गोरी का भाई कालू को डंडे से मार मार कर बेहाल कर देता है और उससे कहता है, मैं अपने बहन को दो वक्त की रोटी दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे आवारा को अपने पास नहीं रहने दूंगा। इस तरह गोरी का भाई कालू को मार मार कर घर से निकाल देता है। फिर गोरी अपने भाई के पास रहने लगता है और कालू कौवा रोता हुआ वहां से चला जाता है। दुख और सुख जिंदगी में आते ही रहते हैं। पता नहीं कब खुशियों से भरी जिंदगी दुखों में बदल जाए, इसलिए हमें हमेशा अपनी खुशियों की कदर करना चाहिए। टूनी चिड़िया अपने पति और एक बेटी गुड़िया के साथ दाना खाकर एक पेड़ पर बैठी हुई थी। गुड़िया के पापा, अब चलें, शाम होने वाली है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मुझे ढलता हुआ सूरज देखने में बहुत मजा आता है, मुझे शाम का ये मंजर बहुत अच्छा लगता है। पापा, मुझे भी। पापा, जब शाम को सूरज लाल हो जाता है तो उसे देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वे सभी वहाँ बैठे हुए थे, तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक पत्थर तेजी से आता है और टूना के सीने में लगता है, जिससे टूना को दूसरी सांस भी लेना नसीब नहीं होता और वह वहीं पर मर जाता है। टूनी चिड़िया और गुड़िया कुछ नहीं कर पाती, वे दोनों रोते ही रह जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पापा को किसने मार दिया है? मम्मा, गुड़िया के पापा, हम तो साथ साथ आए थे और आपने कहा था हम इकट्ठे ही घर जाएंगे, अब हम आपके बिना अकेले कैसे जाएंगे? अंधेरा बढ़ रहा था। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर रोती हुई अपना घर जाने लगती है। किसी को भी उसकी खबर ना थी। सभी पक्षियां अपने अपने घरों में बैठे बातें कर रहे थे, जिसका दुख हो वही जानता है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगाकर रो रही थी और अपने पति को याद कर रही थी। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गौरी कौवी और कालू कौवा दौड़े दौड़े कबूतर के पास जाता है। कबूतर कबूतर, कुछ सुना है तुमने? चिड़िया का पति मर गया है। हाँ गौरी, मुझे भी अभी अभी बुलबुल बता कर गई है। कबूतर, वह चिड़िया है ही मनहूस, अब वो विधवा हो गई है। मैं तो सोच रही हूँ अब हम सब मिलकर उसे जंगल से निकाल दें। गौरी, ये सब किसी के साथ भी हो सकता है। कबूतर, तुम नहीं जानते, ऐसी मनहूस चिड़िया के कारण जंगल की दूसरी पक्षियां भी मुसीबत में फंस सकते हैं। हमें उसे इस जंगल से निकाल देना ही चाहिए। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी भोजन लाने जाने ही वाली थी। वे दोनों घर से निकलकर बाहर बैठी हुई थी, तभी जिस लकड़ी पर उसका घर था वह लकड़ी भी टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका घर भी टूटकर बिखर जाता है। मम्मा मम्मा, देखो हमारा घर टूट गया, ये कैसे हो सकता है? ना आंधी ना तूफान, पर ये डाली कैसे टूट सकती है? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है? पहले मेरा पति छीन लिया और अब मुझे बेघर कर दिया, क्या क्या बुरा किया है मैंने? मम्मा मम्मा, चुप कर जाएं, हमें हालात का मुकाबला करना होगा, हमें जीना होगा मम्मा। ऐसे ही वह माँ बेटी एक दूसरे को हौसला देती रही। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और फिर से रात हो जाती है। कबूतर, उस टूनी चिड़िया का घर कैसे टूट गया? वह चिड़िया मनहूस है, पहले गोरी कहती थी, अब मैं भी मान गई हूँ, पहले उसका पति मरा और अब घर भी टूट गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हम सब भी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। यार कबूतर, मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, ये सब ऊपर वाले का काम है, जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, इसमें हम पक्षियों का क्या दोष? जो भी हो, मैं तो अब उस टूनी चिड़िया से दूर ही रहूंगा। अंधेरा बढ़ रहा था। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी कौवी घर के बाहर बैठी हुई थी। गौरी बहन, आप तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ,
कि तुम एक मनहूस चिड़िया हो, तुमने अपने पति को खा लिया और अब घर भी टूट गया है तुम्हारा। अब यहाँ से चली जाओ, कहीं तुम्हारा साया पड़ने से मैं भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊँ। गौरी कौवी इस तरह बुरा भला कहकर अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर मिट्ठू के पास जाती है। मिट्ठू का घर थोड़ी दूरी पर था। फिर टूनी चिड़िया मिट्ठू को दस्तक देती है। मिट्ठू भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर टूट गया है, मुझे आज की रात अपने घर में आने दें। मिट्ठू तोता टूनी के लिए दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसके दिमाग में कबूतर की बात आती है। ये चिड़िया मनहूस है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। फिर मिट्ठू यह सोच कर चुप रहता है और सोने का नाटक करता है। चिड़िया खिड़की से मिट्ठू को आवाज देती है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं हूँ आपकी पड़ोसन चिड़िया, दरवाजा खोलो। टूनी चिड़िया बार बार मिट्ठू को आवाज दे रही थी, पर मिट्ठू ऐसे नाटक कर रहा था जैसे वह गहरी नींद में सोया हुआ हो। शायद मिट्ठू गहरी नींद में सोया हुआ है। नहीं मम्मा, मिट्ठू अंकल सोए नहीं, वह तो जाग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, यहाँ कोई हमारी मदद नहीं करने वाला। आपके लिए मैं और मेरे लिए आप ही काफी हैं मम्मा। फिर वह माँ बेटी वहाँ से चली जाती है। वह माँ बेटी उड़ती हुई दूर निकल जाती है। दोनों माँ बेटी सारी रात उड़ती रही। उन्हें तो ये नहीं पता कि वह किस दिशा में जा रहे हैं, फिर भी वह उड़ती जा रही थी। वह जंगल से बहुत दूर चली जाना चाहती थी। उनका दिल टूट चुका था। सुबह होते होते दोनों माँ बेटी सागर वाले जंगल में पहुंच जाती हैं और वहाँ एक जगह पर बैठ जाती है। सागर की दूसरी तरफ से सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। दोनों माँ बेटी बैठी बैठी गौर से सूरज को देखे जा रही थी। मम्मा मम्मा, हम नया घर बनाएंगे, आप भूल जाएं, बस यही समझे कि उस जंगल में हमारा कोई था ही नहीं। हाँ बेटी, मैं भी सब भूल जाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले लगा लेती है। छमछम चाचा जो उस जंगल में बढ़ी का काम करता था, वह अंधेरे में ही सागर में बहकर आई हुई लकड़ियां लेने आता है। छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को बैठी हुई देखकर वहां आता है। आप दोनों तो इस जंगल से नहीं हैं, कहां से आए हैं आप दोनों? मम्मा चिड़िया रोती हुई छमछम चाचा को सारी बातें बताती है। मेरा पति मर गया है, मेरा घर टूट गया है, मगर मेरे दोस्तों ने मुझसे हमदर्दी करने के बजाय मनहूस कहकर जंगल से निकाल दिया है। अगर आपको लगता है कि हमारे वजह से आपका बुरा होगा तो हम यहाँ से भी चले जाते हैं। टूनी और गुड़िया की बातें सुनकर छमछम चाचा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी, आज से मैं आपका चाचा और आपकी मम्मा मेरी बहन। चलो बहन, आप दोनों मेरे साथ चलो मेरे घर। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपना घर लेकर चले जाते हैं। फिर छमछम चाचा टूनी और गुड़िया को अपने घर में शरण दे देते हैं। इस तरह धीरे धीरे दोनों अपना पुराना दुख भूल जाती है।